हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे मराठी स्टाइल में मसाला गोभी। आप भी इस तरह से एक बार मसाला गोभी ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा बनता है। चलिए फिर देर नहीं करना है, फटाफट शुरू करते हैं। मसाला गोभी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम फूल गोभी को काट लिया, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ में काटा है। एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली काट लिया, 4-5 लहसुन के कलियाँ ले लिया बिना काटे, 1/4 कप जितना सूखे नारियल और एक बड़ा साइज़ का टमाटर ले लिया काट के। सबसे पहले हमें 2 टेबल चम्मच जितना साबुत धनिया को भून लेना है। देखिए मैंने डाल दिया, हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर निकाल लेंगे। धनिया भून चुका है, देखिए कलर देखकर समझ आ रहा है, अभी हम इनको निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में हमें दूसरी चीज़ें भी भून लेनी है। इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे जो सूखे नारियल लिए थे वो डाल देंगे, लहसुन भी डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे। इन सबको हमें भूनना है, लेकिन तेल नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हमें भूनना है हल्का सा जलाने जैसा। तेल डालेंगे तो पूरा फ्राई हो जाएगा, मतलब कि तेल का स्वाद आ जाएगा। हमें हल्का हल्का सा जलाना है इसको। देखिए हल्का जला हुआ टेक्सचर आ चुका है, अभी हम इनको निकाल लेंगे। निकाल के रख देंगे उसी प्लेट में जिस प्लेट में हमने धनिया रखा था। इन मसालों के साथ मैंने टमाटर नहीं डाला है, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, इसलिए टमाटर को मैं अलग से भूनूंगी। अगर अच्छा लाल टमाटर होता तो भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टमाटर हल्का सा भून चुका है, अभी हम इसके साथ डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना सूखा अदरक। कच्चा अदरक यूज़ करना है तो प्याज लहसुन के साथ ही भून लेना है। अदरक टमाटर भून चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे और निकाल के इसी कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तेल अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। कढ़ाई पहले से ही गर्म है तो हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरे और 1 पिंच जितना हींग। हींग डालने से हमारी सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हमें डालना है स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने से पहले श्योर होना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाल मिर्च पाउडर जल कर कलर बिल्कुल काला हो जाएगा। यहाँ पर हमें डालना है ये मसालों का पेस्ट। ये जो मसाले हमने भून कर रखा था ना बिना तेल के, आधा जला जला कर, तो उसी मसालों का पेस्ट हमने बना लिया, वो यहाँ पर हमें डाल देना है। मिक्सर जार को धोकर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसके साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। और मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक कि मसालों के अंदर से तेल अलग नहीं हो जाता, मतलब कि मसाले अच्छे से कुक नहीं हो जाता, तब तक हम ढक कर पकाएंगे। देखिए नमक और हल्दी को अच्छे से मिला देते हैं और मसालों को ढक देते हैं। बीच बीच में ढक्कन हटाकर हम चेक करते रहेंगे। ये देखिए 7 मिनट हो चुका है, मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तेल अलग हो चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए फूल गोभी। ये देखिए डाल देते हैं और डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। मसालों के साथ अच्छे से कोट करना है और मसालों के साथ ही थोड़ी देर के लिए भून लेना है। सब्जी के साथ मसाले को अच्छे से कोट कर देंगे। और हमें डालना है 1/3 छोटी चम्मच जितना गरम मसाला, ये शाही गरम मसाला है। अच्छे से मिला देंगे, मिलाकर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। 3 मिनट हो चुका है, देखिए 3 मिनट बाद ढक्कन हटा रही हूँ मैं। सब्जी ने अपना पानी छोड़ दिया है और मसालों का स्वाद सब्जी के अंदर तक अच्छे से फैल गया है। अभी सब्जी को थोड़ी देर के लिए खोला ही भूनते रहेंगे ताकि ये जो सब्जी का पानी है निकला हुआ ये सूख जाए और सब्जी भी अच्छे से भुने हुए नज़र आए। देखिए सब्जी भुने हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। पानी अपने हिसाब से डालें, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए, अगर गाढ़ी चाहिए थोड़ा कम डालें और अगर पतली चाहिए थोड़ा ज़्यादा डालें। यहाँ मराठी स्टाइल में पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, मतलब कि थोड़ी पतली ग्रेवी पसंद किया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा गाढ़ी रखने वाली हूँ। देखिए पानी डाल दिया, मिला दिया, ढक दिया। अभी ये देखिए 7 मिनट हो चुका है, एक बार सब्जी को चेक कर लेना है। थोड़ा चला लेते हैं, उसके बाद एक गोभी उठाकर चेक करेंगे कि कितना कुक हुआ है। सब्जी लगभग 60-65% तक कुक हो चुकी है। अभी और थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। देखिए ढक कर फिर से 7 मिनट हो चुका है। अब देखिए सब्जी, देखने से पता चल रहा है कि सब्जी पूरी कुक हो चुकी है, फिर भी एक उठाकर चेक करके देखते हैं। सब्जी पूरी गल चुकी है। अभी अगर आपको ग्रेवी इतनी चाहिए तो यहाँ तक स्टॉप करें प्रोसेस, और अगर और भी सुखाना है तो और भी थोड़ा सा सुखा ले, और खोला ही सुखा ले, अभी और ढकने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर हरा धनिया हो तो थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैं हीट ऑफ़ कर रही हूँ। और चलिए सर्व कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही मज़ेदार मसाला गोभी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से मसाला गोभी एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही, चलती हूँ आज, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।